स्कूल में बुलिंग होता था, होती थी, कैसे डील करती थी उस वक्त? क्या घर में कभी आके नहीं बताया उस रोती थी रोज घर आके, वक्त? मैं रोती थी ना, और आसपास मदर थे, मामा ये सारी लड़कियां इतनी पतली हैं, इतनी प्यारी हैं, लेकिन मेरे लिए जो मेरे क्लास फेलोज थे उन्होंने एसोसिएट कर दिया था ओवरवेट विद अगली, एंड आई थिंक आई स्टिल स्ट्रगल विद दैट बिकॉज ऑफ द पीपल हु इन सिक्स ग्रेड. और मेरे जो क्लासमेट्स थे, आई होप दे आर वाचिंग दिस राइट नाउ, बिकॉज वो सारे ही मैसेज कर रहे होते हैं लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल, आई एम लाइक रियली रियली. Exactly. So these things they stay with you. तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि किसी को ऐसी चीजों पे कभी ना बोलूं. सुनो चंदा की सेट पे आपको थोड़ा बहुत बुलिंग का इंसिडेंट हुआ था, यू हैड टू फेस दैट. जब पहली बार ये हुआ तो आपको क्या रिएक्शन था? डेजा वो फील हो रहा होगा कि ये तो गोइंग बैक टू द सेम थिंग. अच्छा मैं रियलाइज ही नहीं हुआ ना, आई फील लाइक मेरी कंडीशनिंग ही यही थी कि पूरी जिंदगी बुली हुई हूँ तो होती जाऊंगी. तो पहले से दिन में तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, एंड मैं इंडस्ट्री से लाइक मैं ऐसे दिन होते मैं उस घर से जो जहाँ हम शूट करते आई वुड रन आउट बिकॉज आई बी हैविंग अ पैनिक अटैक. तो मुझे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि सेट पे किसी ने आपके लिए आवाज नहीं उठाई. नहीं, एक एक मोहम्मद अहमद साहब. ओके, लेकिन बाकी सब कहाँ थे? किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं कि ये लड़की आ रही है, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अभी माँ पारा की लाइन थी ना, इस दुनिया में कोई अपना नुकसान नहीं होने देता. ओके, ऐसा ही है. कोई क्यों स्टैंड अप करे? मैं कौन थी, मैं क्या थी, मैं किसकी दोस्त थी? आई वाज इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ना मेरे पीछे कोई पर्चियां, ना मेरे पीछे कोई बड़े प्रोड्यूसर्स.